Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English with Exin. Today we are gonna translate this story in Hindi. Let's get started. Long long ago, we did not have schools like we have today. बहुत समय पहले हमारे पास स्कूल्स नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज हैं. Instead, there were gurukuls. इसके बजाय गुरुकुल्स हुआ करते थे. Boys were sent to gurukuls to study. लड़कों को पढ़ाई के लिए गुरुकुल्स भेजा जाता था. दे हैड टू लिव विद देयर टीचर इन एन आश्रम और उन्हें आश्रम में अपने अध्यापक के साथ रहना पड़ता था. एट दैट टाइम किंग पांडू वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर और उस समय किंग पांडू हस्तिनापुर का राजा था. किंग पांडू हैड फाइव सन्स और किंग पांडू के पांच बेटे थे. He sent his sons to the Gurukul of Guru Dronacharya. उसने अपने बेटों को गुरुकुल भेजा गुरु द्रोणाचार्य के. The five princes lived with the Guru in his ashram in the forest. और वो पांच राजकुमार अपने गुरु के साथ जंगल के एक आश्रम में रहा करते थे. द्रोणाचार्य was very fond of the five princes. द्रोणाचार्यों को वो पांचों राजकुमार बहुत ही प्रिय थे. दे वर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव. वे सभी बहुत समझदार और ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले थे. दे यूज टू लर्न वॉट एवर ही टॉट देम और जो कुछ गुरु उन्हें सिखाते थे वो उन्हें सीखा करते थे. दे वर ऑल्सो ब्रेव एंड एक्टिव और वो बहुत बहादुर और फुर्तीले भी थे. द्रोणाचार्य टॉट मैनी थिंग्स टू द प्रिंसेस. द्रोणाचार्य ने उन राजकुमारों को बहुत सारी चीज़ें सिखाईं. ही ऑल्सो टॉट देम आर्करी. उन्होंने उन्हें धनुष विद्या भी सिखाई. वन डे द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. एक दिन द्रोणाचार्य उन राजकुमारों को जंगल की दूसरी ओर लेकर गए. He wanted to give them a lesson in archery. और वह उन्हें धनुष विद्या में पाठ देना चाहते थे. द्रोणाचार्य showed the princess a clay bird that he had put up on a tree. द्रोणाचार्य ने उन राजकुमारों को मिट्टी की एक चिड़िया दिखाई जो कि एक पेड़ पर लटकी हुई थी. Then he pointed to the bird and said. और उन्होंने चिड़िया की तरफ इशारा करा और कहा, I want you to pierce the eye of this bird. मैं चाहता हूँ कि तुम इस चिड़िया की आँख में छेद करो. All the princes pulled out their arrows. They held the bows in their hands. सारे राजकुमारों ने अपने तीर उठाए और अपने धनुष को हाथ में लिया. द्रोणाचार्य asks युधिष्ठिर, the eldest prince, tell me what all do you see? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जो कि सबसे बड़े राजकुमार थे उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिखता है. आई सी द फॉरेस्ट द ट्रीज एंड द स्काई सेड युधिष्ठ. युधिष्ठ ने कहा मैं जंगल देखता हूँ पेड़ देखता हूँ और आसमान देखता हूँ. वॉट डू यू सी द्रोणाचार्य आस्क्ड भीमा द सेकेंड प्रिंस. द्रोणाचार्य ने दूसरे राजकुमार भीम से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता है. I also see the stream, said Bhima. भीम ने कहा मुझे भी बहती हुई नदियाँ नज़र आती हैं. I can see the sun and the clouds, said the youngest prince. सबसे छोटे राजकुमार ने कहा मुझे सूरज और बादल नज़र आते हैं. But Arjun, the third prince, was quiet. लेकिन अर्जुन जो कि तीसरे राजकुमार थे वो चुप थे. What do you see, Arjun? asked the guru. गुरु ने पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है. अर्जुन फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, यू हैव आस्क्ड मी टू पियर्स द बर्ड्स आई. अर्जुन ने अपने हाथों को फोल्ड किया और कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मुझे इस चिड़िया की आंख में छेद करना है. राइट नाउ आई कैन सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड. सो इस समय मुझे कुछ नज़र नहीं आ सकता सिवाय इस चिड़िया की आंख के. आचार्य स्माइल्ड इन अ वेरी हैप्पी वॉइस ही सेड. आचार्य मुस्कुराए और बहुत ही खुश आवाज़ में उन्होंने कहा
अर्जुन, वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्कर ऑफ हस्तिनापुर। अर्जुन, एक दिन तुम हस्तिनापुर के बहुत ही महान तीरंदाज बनोगे। ग्रेट बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क दैट यू डू। बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपना मन उन कामों में लगाते हो जो तुम करते हो। द्रोणाचार्य's words came true। द्रोणाचार्य ने जो कहा था, उनके जो शब्द थे वो सच साबित हुए। When Arjun grew up, nobody could match him in archery। जब अर्जुन बड़े हुए तो उन्हें धनुष विद्या में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका।